प्रभु नाम हरि रसना अंत समय में हिली न हिली अंत समय में हिली न हिली जीवन के बुदबुदा आसमान सुखी जा देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभा। आज की शांति श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित महाराज जी, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, मैंने जो अभी इस कवि की पंक्तियाँ आपके सामने रखी हैं उसमें ये दर्शाया गया है कि मनुष्य का जीवन एक बुलबुले की समान है, कोई पता नहीं ये बुलबुला कब खत्म हो जाए। भीषम पितामह में शांति पर्व में भी एक बात आती है, को ही जानानी मैं रोऊंगी
की बचना मिट्टी के पांड्या की बचना सचले समरीले सचले समरीले सचले समरीले जिन्ना सचना मिट्टी के पांड्या मिट्टी के पांड्या अखी पचना विधान था या उनकी कर्म व्यवस्था परमपिता परमात्मा की व्यवस्था थी कि उन्हें थोड़े ही जीवन में इतने अच्छे काम वो करके गई हैं। परमपिता परमात्मा उस दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें, अपने चरणों में निवास प्रदान करें। तो छोटी बहन गुरु साहब वालों बख्शे कीते स्वासा रूपी पूंजी संपूर्ण करते हुए गुरु चरणा विच जा प्राजी है। जो संसार तौर पर देखता तो है लगता है कि एक लाइन टुट गई। गुरु साहब गुरबाणी विच दसना करते हैं कि रोवे राम नकाला भया सीता लक्ष्मण विछड़ गया। गुरु प्यारे विछोड़े का दुख केवल उही जानता है जिन्हों विछोड़े का दुख लगा है। ओनली द वेयरर नो वेयर द शो पेंचे जुत्ती पाउण वाला ही गुरु प्यारे वो दस सकता है कि जुत्ती कित्थे लगती है। जो होर नेड़े हो के देखदा बच्चों को मां चली गई यस छाया अमृतम
यस्म कस्मै देवाय छिदन्ति शास्त्राणि नयनं दहति पाक शोषयति मारुतः अन्नयानि संयति नवा क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली मल्याचल की श्रुति शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली कर काल कुठार लिए फिरता कर काल कुठार लिए फिरता तन नरमा से चोट झिली न झिली जप ले प्रभु नाम अरे रसना जप ले प्रभु नाम अरे रसना अंत समय में हिली न हिली अंत समय में हिली न हिली जीवन के बुदबुदा असमानस की जात देखत ही छुप जाएगा ज्यों कारा प्रभा आज की शांति श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित महाराज जी उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों मातृशक्ति मैंने जो अभी इस कवि की पंक्तियाँ आपके सामने रखी हैं उसमें ये दर्शाया गया है कि मनुष्य का जीवन एक बुलबुले की समान है कोई पता नहीं ये बुलबुला कब खत्म हो जाए। भीष्म पितामह में शांति पर्व में भी एक बात आती है को ही जानानि कस्य अद्य मृत्यु कालो भविष्यति यानी किसी को कुछ पता नहीं किसी को कुछ मालूम नहीं कब किसका कहाँ मृत्यु समय आ पहुँचे। ऐसी ही हमारी साथ परिवार के साथ ऐसी घटना हुई है कि हमारे मेहंदीरत्ता परिवार की प्रिय बेटी और ससुराल परिवार की प्रिय बेटी प्रोमिला जिसे हम प्यार से पम्मो के नाम से जानते रहे हैं आहूजा परिवार से संबंधित है वो मैदेरत्ता परिवार की जाई हुई है। वो एक बहुत बड़ी धार्मिक सौम्य स्वभाव की सबसे स्नेह रखने वाली आयोजित किए जाती है उसका एक मुख्य बात होती है कि जाने वाले जो मनुष्य जो आत्मा हमारे से बिछड़ गई गुणों का गुना वास किया जाए। मैं थोड़े से गुणों का वाचन करके अपनी वाणी को विराम भाई साहब सुभाष जी और सरजू जी कि किस प्रकार से वो होनहार बेटा है हर प्रकार के कार्यों को जो दो बाजू वाला आदमी कुशल पूर्वक नहीं कर सकता वो स्वयं उस कार्य को कर सकता है। तो ऐसी संतति को जन्म देना ऐसा कुशल व्यवहार ऐसा शांत स्वभाव क्योंकि हर जाने वाला प्राणी हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देकर जाता है तो हमें संयस्त और कृपा पात्र महाराज श्री राजाजेश्वरी जी उनके साथ साथी बता जी और पंडित जी भगवान जी दिलीप जी और आज की शोक सभा में उपस्थित माताओं बहनों बुजुर्गों बड़े सरल और विस्तृत रूप से आपको श्रीमती आहूजा जी के जीवन के बारे में आपको बताया मेरा यह निजी मानना है
कि ये जो शोक सभा होती है वो शोक सभा ना होके एक चेतना सभा है, जो हमें ये चेताती है, हमें ये बताती है, हमें ये जगाती है, हमें ये स्मरण करवाती है कि ये किसी के साथ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। सुनो कुमार ये अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत सब सत। आदमी से या हम में से किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इस प्रकार से श्रीमती अहूजा जी के परिवार को छोड़ के चली जाएंगे। एक रात पहले उन्होंने पूरी अपनी जो व्यवस्था थी वो भी परिवार वालों को बताई कि खाना मैं बना लूंगी, आप सुबह चले जाना सैर के लिए। और हजारों हजारों के साथ इस दुनिया में ऐसा होता है कि बहुत कुछ सोचा हो और जीवन के महत्व को और उनके द्वारा किए हुए सत्संगों को, सत्कर्मों को, सद्विचारों को हम याद करते हैं और इस भजन के माध्यम से हमें ये भी बताया गया है कि अगर जीवन में कुछ महत्वपूर्ण है, अगर कुछ साथ जाने वाला है तो वो आपके द्वारा किया हुआ दान, आपके द्वारा किया हुआ भजन, आपके द्वारा किया गया सत्कर्म। माताओं बहनों बुजुर्गो बच्चों, अगर हमने यहां से दिल्ली जाना हो तो उसके लिए भी हम अपना प्रबंध करके साथ चलते हैं कि चाय रख लो, पानी रख लो, कोल्ड ड्रिंक रख लो, कुछ फ्रूट्स रख लो, कुछ खाना पीना रख लो। और हम ये सोच के चलते हैं कि कहां पे हम चाय लेंगे, कहां पे हम नाश्ता लेंगे, कहां पे हम लंच करेंगे और कितने बजे हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। Thank you.
मिट्टी के पांडिया
भाते हुए संसार से गई, शैल्य विधि का विधान था या उनकी कर्म व्यवस्था परम पिता परमात्मा की व्यवस्था थी कि उन्हें थोड़े ही जीवन में इतने अच्छे काम वो करके गई हैं। परम पिता परमात्मा उस दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें, अपने चरणों में निवास प्रदान करें। यहाँ जैसा कि बतलाया गया है कि आदरणीय श्री अश्विनी जी आहूजा का बहुत ही अच्छा स्वभाव है, उनके साथ बहुत सी राजनीतिक पार्टियाँ, बहुत से व्यापारी जन और दूसरे महानुभाव जुड़े हुए हैं, तो यहाँ वो संवेदना परिवार के साथ प्रकट करने के लिए उपस्थित हुए हैं। विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय श्री बलविंदर बैंस जी का, उनके भाइयों का, उनकी सारी टीम का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस परिवार के साथ संवेदना प्रकट करने यहाँ पहुँचे हैं। मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि अश्विनी जी का बैंस जी के साथ पुराना बहुत संबंध रहा है और उन्होंने ही अश्विनी जी को बहुत ऐसा प्यार दिया, इस प्रकार से उनको राजनीतिक जीवन में लाया जिसकी आज हम सब भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। आदरणीय श्री सज्जन धनी जी यहाँ कांग्रेस नेता उपस्थित हैं, आदरणीय श्री कुलवंत सिंधु जी जो भी कांग्रेस से हैं वो भी यहाँ उपस्थित आए हुए हैं, उनके सुपुत्र यहाँ उपस्थित हैं कुलवंत सिंह जी संधु जी के, संजय तलवार जी ने भी यहाँ उपस्थित होना था, वो अमरनाथ जी की यात्रा पर गए हुए हैं, उनके यहाँ राजन धनी जी यहाँ उपस्थित हैं और बलविंदर बंटी जी युवा जो है एंटी करप्शन के प्रधान हैं, अपनी टीम के साथ उपस्थित हुए हैं। मैं किन किन का नाम लूँ, बहुत से उद्योगपति जो हमारे मैदिवत्ता परिवार के साथ संबंध रखते हैं, हमारे दूसरे परिवारों के साथ संबंध रखते हैं, गुलाटी परिवार है उनके साथ संबंध रखने वाले, गाभा परिवार के साथ संबंध रखने वाले, अरोड़ा परिवार के साथ संबंध रखने वाले, पुराना परिवार के साथ संबंध रखने वाले सभी मित्रगण, सभी महानुभाव यहाँ संवेदना प्रकट करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं परिवार की ओर से सभी आए हुए महानुभावों का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दे करके हमारे इस दुख की घड़ी में हमारा साथ बताया है, क्योंकि दुख बताने से हल्का हो जाता है, कोई किसी का दुख सहारा दे तो नहीं सकता, कुछ सुख दे तो नहीं सकता, लेकिन बताने से दुख कम हो जाता है। तो इस प्रकार से आप सबने सहयोग दिया, हम सामूहिक रूप से परमपिता परमात्मा से उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु से ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि इस बिछोड़े से जो परिवार के सभी सदस्यों को, चाहे वो मायके वाले हैं चाहे वो ससुराल वाले हैं, उनको जो क्षोभ हुआ है, जो शोक हुआ है, उससे ऊपर उठने की सामर्थ्य प्रदान करें। तो आइए मिल करके सभी एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे और फिर एक मिनट का मौन रखेंगे उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए। पहले गायत्री मंत्र। छोटी बहन, गुरु साहब वालों अक्षर कीर्ति स्वास्थ्य रूपी पूंजी संपूर्ण करते हुए गुरु चरणों में जाप राजी है।
जदों संसार तौर ते देखदा तां ऐ लगदा है कि एक लाइन टुट गई। आ लाइन कई बारी रेलवे स्टेशन ते, कई बारी सिनेमा घर विच कई सज्जण लाइन तोड़दे आ अगे जाके टिकट लैण दा यतन करदे है, पर गुरु प्यारे उत्थों पहलां तों लाइन विच खड़े सज्जण अगे जाण वाले नूं आवाज़ मारदे है, पिछों आवाज़ आउंदी है कि भाई साहब असीं तुहाडे तों पहलां लाइन विच खड़े हाँ, पहलां वारी साडी है। ते गुरु प्यारे अगे जाण वाला सज्जण आवाज़ सुणदा है, मजबूरी बस पिछे आके लाइन विच खड़दा है ते वारी दी उड़ीक करदा है। पर प्रभु दी सृष्टि कैसी है, इत्थे कोई लाइन नहीं। गुरु साहब ने गुरबाणी विच किसान नाल तुलना कीती है कि किसान फसल बीजदा है, वह कच्ची वढ ले, वह पक्की वढ ले, कई बारी दाने झड़दे जांदे है पर वढ़न दा समा नहीं। गुरु प्यारे परमेश्वर दी खेड भी ऐसी है। पर बेनती करां, कुछ रिश्ते परमेश्वर ने अपनी दरगाह विच बनाउणे कीते जिहदे विच मां बाप दा पवित्र रिश्ता, पति ते पत्नी दा पवित्र रिश्ता परमेश्वर अपनी दरगाह विच बनाउणा कीता है। ते गुरु प्यारे कुछ रिश्ते संसार ने संसारक तौर ते जोड़ने कीते, पर सच कहां जदों परमेश्वर दी दरगाह दा बनाया कोई रिश्ता टुटदा है ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਬਨਵਾਸ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਕੈਸਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰਾਮ ਬਨਵਾਸ ਤੇ ਗਏ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੈਸਾ ਸੀ ਵਿਛੋੜਾ ਤੇ ਕੈਸਾ ਸੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁਖੀ। ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਕੈਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਭੁੱਗ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੋਵੈ ਰਾਮ ਨਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਦਾ ਵੇਅਰਰ ਨੋ ਵੇਅਰ ਦਾ ਸ਼ੋ ਪੈਂਚੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏ ਕੈਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਇਸ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ, ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਇਓ ਕਿ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਕਈ ਜਨਮ ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ ਪਏ, ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਕਈ ਜਨਮ ਵੀ ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਲਿਖਾਰੀ ਕਈ ਜਨਮ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਉਸ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ, ਉਸ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਮਾਂ ਜੇਤੂ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਂ ਜੇ ਤੁਰੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹਾ ਘਣਛਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਗੁਰਦਾਰ ਕਰਿਓ ਮਾਂ ਵੱਡੀ ਕਿ ਰੱਬ, ਲਿਖਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ
छां उधारी लेके रब ने स्वर्ग बनाए। अगलिया लाइना कैसिया कमाल लिखता है कि इस दुनिया के बूटे सारे जड़ टुटिया सुक जाते पर माता का बूटा ऐसा फल टुटिया सुक जाए। गुरु प्यारे कि मां दे बैठे बच्चे नु कुछ हो जाए, मां कदे गर्मी सर्दी अनेरी बरसात तूफान अद्धी रात की परवाह नहीं करती, अद्धी रात भी जाके डॉक्टर का दरवाजा खड़काउंदी है कि डॉक्टर साहब उठो मेरा लाल बीमार है। अज एक ऐसी मां साडे चो चली गई और मैं समझदा कि जिन्ना मैं रस्ते च आउंदा आउंदे सोचदा सी कि मैं छोटे वीर अश्विनी नू की कह के मेरे कोई शब्द नहीं जिन्ना शब्दों नाल मैं अपने छोटे भरा नू तरवास दे सकां।